तो क्या लगता है कश्मीर के बारे में जो न्यूज में बोलते हैं और हम आपके सामने, अभी मैं कश्मीरी आपके सामने बैठा हूँ, क्या लगता है आपको? नहीं, न्यूज में जो बोलते हैं गलत बोलते हैं बिल्कुल। और मतलब मैं आपके सामने अभी हूँ, आपने मतलब इतना टाइम कौन सा सेम है अभी कॉलेज में? मेरा तो 5th सेम है। ओ यार, तू तो मेरे बराबर है, फिर 2.5 साल हो गए तेरे। जी बिल्कुल। तो कैसा लग, कैसे लगे कश्मीरी लोग? कश्मीरी लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और कश्मीर आना चाहोगे? हाँ जरूर। 004 फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो दिस इज योर होस्ट फिजा, बट बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम जाने वाले कॉलेज, कॉलेज में थोड़ा सा हम शूट करने वाले आज, और कॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8। मैं कल से नहीं सोया हूँ भाई, रीज़न ये था मुझे कल शाम को एडिटिंग करनी थी और सिस्टम का जो है सॉफ्टवेयर उड़ गया। ये 10 था, 11 अपडेट करने वाले थे तो उड़ गया पूरा। रात भर लगे थे इसके साथ, अभी भी नहीं हुआ, तो पता भी नहीं चला सुबह कहाँ से हो गई। तो अब गुरी भाई का फ़ोन आया, उसने बोला भाई मैं अभी फ़्रेश हो जाता हूँ, आपका वेट करूँगा मैं बाईपास पर। मैं यहाँ से जाके ऑटो में जाऊँगा पहले, फिर उनसे वहाँ पर मिल के फिर हम कॉलेज जाएंगे एंड देन शूट करेंगे, ठीक है? तो चलो अभी मैं नीचे जाके फ़्रेश हो जाता हूँ एंड फिर ब्रेकफास्ट करते हैं नीचे एंड फिर वहीं से निकल जाते हैं, ठीक है? तो चलो व्लॉग के साथ। तो फाइनली गाइस, हम हो गए रेडी, अभी भाई भी उठ गए, मतलब उठे ये सोए भी कब थे, मतलब थोड़ी देर पहले सोए थे, फिर से उठे। अब ब्रेकफास्ट नीचे जाके पहले ब्रेकफास्ट ले आते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से, फिर मिलेंगे गुरी भाई को, ठीक है? तो चलो मैं नीचे पहले जाता हूँ, फिर पहले आंटी से ब्रेकफास्ट। पंजाब का सुबह का ब्रेकफास्ट, 2 पराठे और चाय। सो फाइनली गाइस, हम पीजे से निकल गए, अभी जाएंगे सड़क की ओर। ये हमारी कॉलोनी, शीतल कॉलोनी। थोड़ा सा ये भी दिखा दे हमारी, ये सामने वाली। तो अभी के लिए यहाँ से निकलते हैं, बाहर ऑटो लेंगे बाईपास। मैं बाहर आ गया रोड पे, अब वो सामने वाला जो पटियाला वाला रोड है ना, वो पकड़ना है अपने को। एंड पीछे सीने को, जब मैं गली से बाहर आ रहा ना, तो एक पेरेंट ना अपने बच्चे को, एक अंकल जी दे रहे थे 10-10 रुपए, 2 बच्चे थे छोटे छोटे उनके, तो मुझे अपने देना आ गए। जब हम भी छोटे हुआ करते थे तब भी हमें ऐसे ही पॉकेट में नहीं मिला करती थी सुबह सवेरे सवेरे। हम पहुंच गए बाईपास, ऑटो में आए थे यहाँ तक, और ये है चंडीगढ़ पटियाला हाईवे। बस अभी गुरी भाई का वेट कर रहा, टाइम लगेगा भाई को आने में, बस वो आ जाए एक बार फिर चलेंगे यहाँ से। सो हाँ, मेरा 1 घंटा तूने वेस्ट, 1 घंटे से यहाँ पे खड़ा। तो फाइनली ये रहा हमारा कॉलेज, मैं एंट्री कर रहा हूँ। अच्छा कर दे, मेरे भी लिख देना, ठीक है? मेरे को सही यहाँ पे क्या करें यार। तो गाइस हम पहुँच गए कॉलेज, ये बंदे ने आज मेरा 1 घंटा ज़ाया किया, सच में मैं एक घंटे की नींद पूरी कर लेता, लेकिन हाँ आप कुछ भी बोलेगा, अब सनग्लासेस नीचे उतर, कॉलेज में आ गया तो सनग्लासेस नीचे कर। सो फाइनली ये रहा हमारा कॉलेज, आर्यंस ग्रुप ऑफ कॉलेज, ये चंडीगढ़ से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और अंदर खेत, फिर 2-3 किलोमीटर अंदर आए हाईवे से, और राजपुरा से है शायद 10 किलोमीटर दूर है। इसी ने हम आ गए फिलहाल के लिए कैंटीन में, तो की कैंटीन, कॉलेज भी ज़्यादा बड़ा नहीं है तो कैंटीन भी छोटी है। और ये रहे हमें हमारे सरदार, तो उस दिन बक रहा था, आज के व्लॉग में बक ना, आज क्यों चुप बैठा है। तो फिलहाल के लिए अभी यहीं पर रुकते हैं 2-3 मिनट, उनको भी फ़ोन करके आने दो, तो उनको फ़ोन लगा और पूछा, ठीक है? फिर बाहर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, इसको शूट भी करना है, ये शूट कर लेगा, मैं इसका शूट करने वाला हूँ, साथ के लाया फिर भी। चलो कोई नहीं, होता रहता यार, थक गए यार सच में, इसने 1 घंटा मेरा ज़ाया किया पूरा,
मतलब मैं तब तक क्या कुछ नहीं करता, बोला तू निकल जाना, मैं भी रेडी हो गया। फिर मैं पहुंच गया, फिर वहां से बोल रहे रुक जा अभी मैं पहले नाश्ता करता हूँ फिर रेडी होता हूँ फिर निकलूँगा। चलो यार इसकी मर्ज़ी, हम क्या बोल सकते हैं, कोई नहीं हमारे हाथों में भी आएगा कब। हो गया अभी थोड़ा सा पीछे हम कैंटीन के पास से शूट कर रहे थे, अभी वहाँ जाके अभी अफसार और अली तो आ गया, अभी दो बंदे भी आने वाले हैं, फिर मिलके सारे शूट करेंगे रील्स वगैरह का। अभी हम चलते हम आए हैं, तो ये है ब्लॉक सी गर्ल्स हॉस्टल, ऊपर और नीचे लैब्स है, और वहाँ से ये एकेडमिक सेक्शन का पीछे वाला है और ये कैंटीन है इधर। यस, तो ये है एकेडमिक्स ब्लॉक हमारा, अभी आगे से दिखाता हूँ। तो फाइनल गाइस ये रहा हमारा आगे वाला कॉलेज का, ये एकेडमिक्स ब्लॉक है इंजीनियरिंग का, उस साइड में फार्मेसी वगैरह मेडिकल वाला, वो पीछे गर्ल्स हॉस्टल अभी दिखा रहा था ना मैं, और ये है एकेडमिक्स ब्लॉक, ठीक है। और उस साइड में है ला वाला कॉलेज, वो पीछे उस साइड में। तो ये है कुछ पार्क्स आगे। सो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली हमारे कश्मीर से ही 60-70% यहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं। सो अभी अली वगैरह NOC क्लियर करवा रहे हैं, फिलहाल वो ख़त्म कर ले, और सैफ और अफसर भी नहीं आए, अब गुरप्रीत आ गए, वो दो भी आ गए और दो भी पेंडिंग है, ठीक है। फिलहाल गुरप्रीत भाई का मैंने शूट कर दिया, अभी यार थका देता है ना ये रील्स, फिर से रिटेक करके मेरा रिटेक हो जाता है। और हो रहा था परसों वो सामने इस ग्राउंड में, देखो ना उस टाइम कितनी गंदगी थी इसमें, अभी पूरा क्लियर है। सो ये है आर्यन कॉलेज, ये मेन बिल्डिंग है इसकी, क्योंकि इंजीनियरिंग मेन है, ये एडमिशन वगैरह। आई लव आर्यंस। गुरप्रीत तू सुना यार, मैं थक गया, तू बोल कुछ। चल क्या बोलूँ तेरे ब्लॉग में, कुछ भी बोल रहे हैं। कॉलेज घूमने घूमेंगे, थोड़ा शूट वूट उठाएंगे। अच्छा तू क्या मतलब क्या लगता है एज ए कश्मीरी फ्रेंड, मतलब आपको बोलते हैं ना बहुत सारे कश्मीरी की, मतलब यार कश्मीर में वो हो रहा है ये हो रहा, तेरे को क्या लगता है? मेरे को कुछ नहीं लगता, मेरे को लगता है जो लोग यहाँ पे हैं वो लोग कश्मीर में भी हैं। कश्मीर में हम जाते हैं, कोई भी यहाँ आता है, कश्मीर वालों की खातिरदारी हम अच्छे से करते हैं, कश्मीर वाले भी हमारी तरह इंसान है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे दिल में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कश्मीर वालों के लिए। आज वाले हमारे साथ नहीं करते, हम कश्मीर वालों के साथ नहीं करते। वाह बहुत बढ़िया, अब उनको NOC पहले क्लियर करने दो, और हम इंशाल्लाह आज तो नहीं जाऊंगा मैं कॉलेज के अंदर, क्योंकि आज हम शूट करने आए हैं, शूटिंग करेंगे, कोई पढ़ाई नहीं होगी आज, पढ़ाई वढ़ाई नहीं। हमने सर उनको फोन किया, देखिए हम शूट के लिए कॉलेज आए और कुछ नहीं, हमने बाहर एंट्रेंस पे लिख दिया शूट और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ अलाउड है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स भी हुए हैं शूट, पिछली बार मैं आया था तो वहाँ पे चल रहा था, और इस साइड में भी हो जाता है, यहाँ सामने भी हो जाता है। ओ भाई थका दिया सच में, कॉलेज मस्त है कश्मीरी कश्मीरियों के लिए। हाँ कश्मीरियों के लिए मतलब अप्रॉक्सीमेटली बहुत ना बहुत सारे कश्मीरी हमारे लिए यहाँ पे भड़बा काम है, भड़बा। अब थोड़ा सा आगे चल के हमें देखें, उस दिन मतलब लास्ट वाले व्लॉग में क्या क्या बोल रहा था। चलो अब तो सुधर गया, क्योंकि मैंने भी उसमें बोला है चला जा वोसड़ी के, तो अब सुधर गया। अब अभी यहीं पे हम, मतलब शूट भी नहीं हो रहा है, क्या करें यार समझ नहीं। वो अभी हमारे जो बंदे दो है ना अभी सोए हैं, अब उठे अब बोरे, अब शायद एक घंटा और लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ भाई है, कहाँ से हो भाई? मैं बिहार से हूँ। बिहार से कश्मीर आए हो कभी? नहीं अभी नहीं आऊँ, लेकिन सोचा हूँ आऊँगा। तो क्या लगता है कश्मीर के बारे में, जो न्यूज़ में बोलते हैं और हम आपके सामने, अभी मैं कश्मीरी आपके सामने बैठा हूँ, क्या लगता है आपको? नहीं न्यूज़ में जो बोलते हैं गलत बोलते हैं बिल्कुल, और मतलब मैं आपके सामने अभी हूँ, आपने मतलब इतना टाइम कौन सा सेम है अभी कॉलेज में? मेरा तो 5th सेम है। ओ यार तू तो मेरे बराबर है, फिर 2.5 साल हो गए तेरे। जी बिल्कुल। तो कैसा लग, कैसे लगे कश्मीरी लोग? कश्मीरी लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और कश्मीर आना चाहोगे? हाँ ज़रूर आना चाहूँगा। चलो यार वेलकम है, बिल्कुल आऊंगा। वहाँ पे आके देख लेना कौन से खतरे हमारे वहाँ, ठीक है। हाँ वैसा कुछ भी नहीं है, बस डराते हैं जो दिखाते हैं गलत दिखाते हैं। हाँ यार गुली ने भी यही बोला, मतलब मैंने आज तक जिससे भी बात की वो खाली यही बोलता है कि भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। भाई देवे यार ये सारा पॉलिटिकल खेल है, आपको कोई झंझट में नहीं पड़ना है भाई, बस भाई लोगों को सपोर्ट करते रहो, मतलब इनको बोलो यार कश्मीर आओ, कश्मीर देखो जन्नत है, पैराडाइज ऑन अर्थ है, स्विट्ज़रलैंड तो उसके सेकेंड नंबर पर है, ठीक है। सो थैंक यू भाई। हाँ चलो वेलकम। तो वेलो भाई से भी बात हो गई। सो ये देखिए आप पंजाब से, अब और कोई स्टेट का कोई मिल गया तो उससे भी बोलूँगा, ठीक है। ऐसा कोई सीन है आपको यहाँ पे, मतलब बहुत सारे बोलते हैं कि बाहर आके आपको भी फिर मारते हैं, यार ऐसा कोई सीन है, मतलब मैं मुझे भी आज 2.5 साल बाहर हो गए, ऐसा कोई सीन आज तक नहीं हुआ है। तो ये मेरे कॉलेज के नाम मैं जानता हूँ, आज पहली बार इनसे मिला हूँ, ठीक है। इनकी रिएक्शन भी देखो, ऐसा कोई सीन नहीं होता यहाँ पे।
बाय द वे वो अभी जब आएंगे तब हम फिर व्लॉग या शायद एंड कर दें, मैं उससे पहले ही एंड कर दूंगा क्योंकि मेरा अब दिमाग ख़राब हो गया और व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा है। आगे यार वो लड़की है मेरे को पता नहीं आज क्या दिख रहा है। तो चलो मिलते हैं आपको। कुत्ता आ गया, ये वाला कुत्ता सुबह 8 बजे से बंदे का वेट कर रहा हूँ, ठीक है अभी तक नहीं। अब हाँ देख कुत्ते की तरह भाग के हंस रहा है। सच में यार मेरा दिमाग खराब हो गया। देखो हाँ ये अब शादी कर ली ना बंदे ने तो बड़ा आदमी बन गया। शादी नहीं अब पिताजी भी बन गया। पिताजी बन गया भाई, पिताजी बन गया बंदा। चल ट्रीट कब दे रहा है भाई पहले ये बोल। बहुत जल्द मिलेंगे भाई। बहुत जल्द कब साले आज, मतलब ये पता नहीं कौन से कस्मे देने पड़े हमें इससे तब जाके कॉलेज में आया। 2022 अच्छा 2022 में बोल रहा था, इसमें 2022 मार्च में पार्टी देगा। वाह क्या बात है। तो चलो गाइस आज का यार एक तो पहली नींद भी नहीं पूरी हुई, दूसरी बात यार आप पूरा थक भी गए, ठीक है। तो चलो आज के व्लॉग यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे। आज एक्सप्लोर नहीं कर पाए अंदर से कॉलेज, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट व्लॉग में कर लेंगे अंदर से भी बाहर से भी पूरा। तो आज खाली गुरी भाई का शूट था वो किया हमने। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो के साथ अभी तक हो ना तो भाई लोग क्या कर रहे हो, वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और साथ ही साथ इन दो कमीनों को भी इंस्टा पे फॉलो कर लो और मुझे भी, मैं इनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।